हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम भंडारे में बनने वाली कद्दू की खट्टी मीठी बिना लहसुन प्याज के बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाएंगे। इस तरह से आप कद्दू की सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हमने एक छोटे साइज़ का कद्दू लिया है। कद्दू को हमने अच्छे से धोकर लिया है। इसमें से हम आधे कद्दू की सब्जी बनाएंगे। आधा कद्दू करने के बाद अब हम इसका वेट कर लेंगे। 910 ग्राम कद्दू हमने सब्जी बनाने के लिए लिया है। बाकी के कद्दू को हम अलग रख देंगे। कद्दू को हमने पहले से ही अच्छे से धोकर लिया था, तो कद्दू को अब हम कट करेंगे। कद्दू के बीज को अलग कर देंगे और कद्दू को हम छिलके के साथ ही बनाएंगे। आप चाहें तो इसे छिलकर भी बना सकते हैं। तो कद्दू को हम इस प्रकार से काट कर तैयार कर लेंगे। कद्दू को हमें ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा रखते हुए नहीं काटना है। सारे कद्दू को हमने इस प्रकार से काट लिया है। अब हम सब्जी के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। हम लेंगे 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये मिर्च पाउडर ज़्यादा तीखा नहीं होता है, इससे सब्जी में केवल कलर अच्छा आएगा। अगर आप और कोई मिर्च पाउडर का यूज़ करते हैं तो अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टेबल स्पून गुड़। गुड़ की जगह पर आप इसमें चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका पेस्ट बना लेंगे। मसाले का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, इसे अब हम अलग रखेंगे। और अब हम पेन में 4 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। अगर आप खाने में सरसों के तेल का यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तेल के गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून जीरा, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 तेज़पत्ते, 3 से 4 छोटी सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1/4 टीस्पून हींग। हींग अगर आपकी ज़्यादा स्ट्रांग है तो थोड़ी कम डालें। सभी को 1 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेंगे। 1 मिनट बाद अब हम इसमें मसाले का पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, साथ में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम मसाले को ढककर 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। 3 से 4 मिनट मसाले को हमने ढककर पका लिया है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें कद्दू डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। कद्दू को पकाते समय हमें इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। कद्दू में काफ़ी मात्रा में पानी होता है। जैसे जैसे ये पकेगा अपना खुद का पानी रिलीज़ करेगा, उसी से कद्दू को हमें पकाकर तैयार करना है। और अब हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। 5 से 6 मिनट बाद कद्दू को एक बार मिक्स कर देंगे। कद्दू को बिना छिलके के बनाते हैं तो उसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, छिलके के साथ थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। और एक बार इसे फिर से 5 से 6 मिनट के लिए ढक देंगे। लगभग 10 से 12 मिनट कद्दू को हमने ढककर पका लिया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और कद्दू को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए पकाएंगे। थोड़ी देर बाद जब कद्दू अच्छे से पक जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 से 3 मिनट बाद कद्दू की खट्टी मीठी मसालेदार सब्जी बनकर तैयार है। इसे अब हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। इसे आप पूड़ी या पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस तरह से कद्दू की सब्जी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।